है दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। शादीशुदा औरत की बॉडी लैंग्वेज बताती है वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। क्या आप औरतों की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझते हो? अगर हाँ तो आपको ये भी पता चल जाता होगा कि वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। लड़की अपने पार्टनर के साथ ना संबंध बनाने के बारे में ना खुलकर बात कर लेते हैं, लेकिन औरत सीधा संबंध बनाने के बारे में ना बात नहीं कर पाती है। औरत ज़्यादातर इशारों में अपने पार्टनर के साथ ना संबंधों के बारे में बात करती है। बहुत सारे लड़के इन इशारों को ना समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो औरत के इशारे को ना समझ लेते हैं। ज़्यादातर औरत इशारों में ही अपने पार्टनर को बताती है वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। इसलिए लड़कों को यह समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी पार्टनर उसके साथ क्या करना चाहती है। अगर आपको ऐसा करने में मुश्किल आ रही है ना, तो आज मैं आपको बताऊंगा आखिर औरत आपके साथ संबंध कब बनाना चाहती है, तो उस समय वो आपको कौन सा इशारा देती है। बस आपको औरतों की ना बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप औरतों की बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं ना, इशारों को समझ लेते हैं ना, तो आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे औरत कब संबंध बनाना चाहती है, औरत आपसे संबंध बनाना चाहती है या फिर नहीं। तो आज जो है ना, हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शादीशुदा औरत की बॉडी लैंग्वेज बताती है वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। भाई वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ना जरूर देखना, नहीं तो आपको ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है ना हमेशा घातक होता है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ना जरूर देखनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सीधा ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट के बारे में। अगर कोई औरत आपके प्राइवेट पार्ट को छू रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। ये औरतों का एक तरह का ना संकेत होता है, इशारा होता है जो आप में इंटरेस्ट रखती है और आज वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। ऐसे में ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, ये आपके लिए ना एक सुनहरा मौका है। कोई कोई औरत आपको ऐसी जगह छुएगी जहाँ छूने से आप बहुत ही ज़्यादा ना उत्तेजित हो जाते हो। जैसे कि अगर कोई औरत आपकी जांघों पर हाथ लगाए और आपकी तरफ देखकर मुस्कुराए, तो आपको बिल्कुल भी समझ जाना चाहिए वो औरत आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। तो भाई आपको ना ऐसे ही इशारे को ना समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इशारों को समझ लेते हैं ना, तो आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे औरत आपके साथ संबंध बनाना चाहती है या फिर नहीं। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में, कामुकता की बातें करना। क्या आपसे कभी भी आपकी पार्टनर ने ऐसी बातें की है जिसको सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। ज़्यादातर औरत जब भी अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना चाहती है ना, तो वो आपके साथ ना कामुक अंदाज में बातें करती है या फिर ऐसे बातें करती है जिसको सुनने के बाद ना आप बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो। ऐसे इशारे को ना भाई आपको समझना पड़ेगा, ऐसे हिंट्स को ना आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसे हिंट्स को समझ लेते हैं, ऐसे इशारे को समझ लेते हैं ना, तो आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे औरत आपके साथ संबंध बनाना चाहती है या फिर नहीं। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में। औरत अपने होठों से ना कामुकता जाहिर करेगी। जब भी कोई औरत आपसे बात करते हुए आपके होठों की तरफ देख रही है ना, तो उसका वो अंदाज बहुत ही कामुक हो सकता है। तो आपको समझ जाना चाहिए वो आपके साथ संबंध बनाने में ना इच्छा रखती है। वो उस समय ये सोचा करती है अगर वो आपके होठों को किस करती है तो उसे कैसा महसूस होगा, उसे कैसा फील होगा। ये इशारा ना आपको समझना चाहिए और अपने पार्टनर को ना खुश करना चाहिए। कई औरत तो अपने होठों से ही इशारे करती है कि वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। जब कोई औरत आपको देखकर अपने होठों को दांतों में कामुकता के साथ दबाती है ना, तो ये इशारा भी एक संकेत होता है कि वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। अगर कोई औरत आपके होठों को बार बार देखती है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए वो औरत ना आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में। औरत आपसे संबंध बनाने के बारे में ना बात करने लगेगी। बहुत सारी औरत अपने पार्टनर को उत्तेजित करने के लिए ना संबंध बनाने के बारे में बात करने लगती है। अब हर बार तो औरत आपके हावभाव से ही संबंध बनाने के लिए ना नहीं कहेगी, लेकिन कई बार वो आपसे संबंध बनाने के बारे में ना बात करने लगेगी, तो आपको समझ जाना चाहिए वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। इस समय औरत के दिमाग में सिर्फ संबंध बनाने के बारे में ही ना चलते रहता है, इसलिए वो आपके साथ ना संबंध बनाने की बातें करने लगती है। अगर कोई औरत आपके साथ संबंध बनाने के बारे में बात करने लगती है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। तो बात करते हैं हम लोग पांचवें टिप्स के बारे में। जब औरत आपको घर बुलाए
घर में कोई भी नहीं है, आप आ जाओ। अगर कोई औरत आपको ऐसा कह रही है ना, तो आपको बिल्कुल भी समझ जाना चाहिए वो आपके साथ संबंध बनाने में ना इच्छुक है। आपने तो फिल्मों में देखा होगा, कई बार औरत अपने पार्टनर को ना अपने घर बुलाती है और फिर हीरो बहुत खुश हो जाता है। और जब वो अपने घर में अकेली होती है ना, और फिर अपने पार्टनर को फोन करके ना बुलाती है, ये एक बड़ा इशारा होता है, ये एक बड़ा संकेत होता है कि वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। अगर आपका पार्टनर आपको कभी भी अपने घर में बुलाती है जब घर में कोई भी नहीं रहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए वो आपके साथ संबंध बनाने में ना इच्छुक है, वो आपके साथ ना संबंध बनाना चाहती है। तो बात करते हैं हम लोग छठा पॉइंट के बारे में। औरत आपके सामने में ना सेक्सी ड्रेस पहनकर आएगी। कई बार औरत जब संबंध बनाना चाहती है ना, तो वो आपके सामने में ना बहुत सेक्सी ड्रेस पहनकर आती होगी। वो ऐसा करके आपको उत्तेजित करना चाहती है, जिससे आप उत्तेजित होकर उसके करीब आ जाओ। वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। कई बार औरत ऐसा ड्रेस पहनेगी जिसमें उसका शरीर दिख रहा होता है, जैसे कि अगर उन्होंने सेक्सी ड्रेस पहनी है ना, सेक्सी सूट पहनी है ना, तो वो आपके सामने में ना बार बार अपना दुपट्टा गिराएगी, जिससे आप उत्तेजित हो उठो। ये इशारे ना आपको समझ जाना चाहिए वो औरत आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। अगर कोई औरत आपको ऐसा बार बार करती है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए वो औरत आपके साथ संबंध बनाने में ना इच्छुक है। तो भाई ये थी 6 टिप्स। अगर कोई शादीशुदा औरत आपसे संबंध बनाना चाहती है ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज बता देती है वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है, वो इशारों से ना बता देती है वो आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।